फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन स्टैक पर। दोस्तों, मेरा नाम हेमंत यादव है और आज जो बिज़नेस आइडिया आप देखने वाले हैं, ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा बिज़नेस आइडिया देखने जा रहे हैं। और दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर 1% ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है कि आपको कोई दूसरा बंदा मिलेगा आपके कॉम्पिटिशन में और आप इस बिज़नेस से इतनी कमाई कर पाएंगे कि आपने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर पैसा लगाने के बावजूद हम इस बिज़नेस से इतनी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को सेल करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंपनियों को सेल करवाने के लिए। दोस्तों, प्रैक्टिकली प्रूफ करके इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को मात्र 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू करके पर डे 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए की इनकम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो मेरी उनसे विनती है कि इस वीडियो को महिलाएं अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे बेनिफिट्स आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इसका बिजनेस भी नहीं कर पाओगे तो आपका 1 मिनट भी इस वीडियो के माध्यम से बर्बाद नहीं होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और कोई भी बंदे को अगर ये चीज समझ आ गई होगी तो 101% हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के वो थैंक्स जरूर बोल करके जाएगा। दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। काफी लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर, आप जो इनकी रेट्स वगैरह बताते हैं वो रेट एक्चुअल में होती नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाकर के चेक तो करते नहीं है, बस अपने मन से ऐसे बोल देते हैं। अगर आप जेन्युइन तरीके से बिजनेस करना चाहते हो तो मेरी सारी बातों को जरूर सुनिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि सच में इस बिजनेस से आप अच्छा पैसा कमाने के साथ में एक अच्छा नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को या फिर किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप मुझे तो पैसा दोगे नहीं, अगर आप बिजनेस को शुरू करोगे तब भी आप ही करोगे, आप ही अपने पैसे रखोगे, मेरे को तो देने वाले हो नहीं। अगर आप नहीं करोगे तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है, करोगे तब भी मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपको एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ में कोई बिजनेस आइडिया बता रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दुनिया भर के बिजनेस आइडिया मिल जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इस वजह से वहां पर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी जानता हूं बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना ही जरूरी नहीं होता, उस बिजनेस को समझना और उस बिजनेस को करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हम ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस लेकर के आते हैं जो बिजनेस बहुत ही आसान हो, जिसे आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। अगर 100 में से कोई एक बंदा इस बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर मेरे बताए अनुसार फेल भी हो जाता है तो उस बंदे को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा कि वो दिन रात हमें गालियां दे, क्योंकि हम ऐसा बिजनेस किसी को भी नहीं बताते जिस वजह से वो इंसान बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊं, तो पहले आप इसके एक बार बेनिफिट्स जान लीजिए, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं कि कैसे आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम आपको माजू फल के बारे में जानकारी देंगे। आयुर्वेद में माजू फल का बहुत ही उपयोग किया जाता है, यह रोगों में बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो अन्य बीमारियों को दूर करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि माजू फल के फल गोल शक्ल के होते हैं और ठोस होते हैं। माजू फल गोल और अंडाकार होते हैं। ये 6 से 50 मिमी व्यास का चिकना, चमकीला और भूरे रंग का होता है। यह फल नवंबर से लेकर अप्रैल तक लगते हैं। दोस्तों, हमने आपको माजू फल के फल दिखाए, आप उनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं, आप उन्हें बाजार से किसी भी जगह से आराम से ले सकते हैं, आपको इसमें कोई भ्रम नहीं होगा। दोस्तों, आप इसे पंसारी की दुकान से ले सकते हैं जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं। दोस्तों, हमने माजू फल की पहचान के बारे में आपको बताई दिया है, अब ये कौन कौन से रोगों में इसका उपयोग किया जाता है और इसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए वो आपको हम जानकारी देते हैं। दोस्तों, पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनको बवासीर की परेशानी है, बवासीर किसी भी तरह की, सही कोई भी अगर बवासीर की परेशानी है तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी उपाय हम आपको बताएंगे। और ये उनके लिए भी है जिनको मल बहुत ही परेशानी से आता है। इसके लिए आप 1 गिलास में 2 माजू फल के बीज लीजिए, फल लीजिए, आप उन्हें अच्छी तरह से पीस लीजिए। पीसने के बाद उन्हें उबाल कर और जब वे ठंडा हो जाएं, थोड़े गुनगुना रहें और उसको गुनगुने पानी को रुई के द्वारा आप गूदे पर लगाएं, इससे बवासीर की परेशानी भी दूर हो जाएगी, चाहे वो बवासीर किसी भी तरह की हो, और आपके मल की जो समस्या है, जो आपको बड़ी कठिनाई से आता है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके दांतों में दर्द रहता है, पीड़ा रहती है या अन्य प्रकार के और भी रोग रहते हैं,
जैसे दांत गंदे रहना, मसूड़ों में खून आना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। दोस्तों आप माजूफल का चूर्ण लीजिए, उसे मंजन की तरह इस्तेमाल करें। दांत में अगर सूजन है या खून निकलना है या दांत गंदे हैं, वे अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। और जिनके दांतों में दर्द है, वे माजूफल को उसी दांत की जड़ में लगा लें। इससे दर्द में आपको आराम मिलेगा और भी कोई अन्य परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिसके अंडकोश में सूजन रहती है या उनमें पानी भरा रहता है। वह लोग 12 ग्राम माजूफल, 6 ग्राम फिटकरी को अच्छी तरह पानी में पीसकर उसे अंडकोश पे अपने लगाएं। कम से कम 15 दिन तक लगाइए। उससे आपकी सूजन और उसमें पानी जो भरा होता है उस चीज में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि माजूफल का चूर्ण अगर आप अपने दांतों पर लगाएंगे तो उससे अन्य रोग खत्म हो जाते हैं। खास बात यह है कि पायरिया का रोग बहुत जल्दी दूर होता है। उससे पायरिया के रोग की बहुत परेशानी होती है और पायरिया के रोग में ये बहुत ही उपयोगी चीज है माजूफल। आप इसका उपयोग जरूर करें, इससे आपको आराम मिलेगा। अगला उपाय महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, वे 60 ग्राम चूर्ण माजूफल का लें। 10-10 ग्राम की मात्रा में आप उसे गाय के दूध के साथ सुबह शाम लीजिए। इससे आपको गर्भ धारण करने में फायदा मिलेगा। दोस्तों अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका पेट खराब रहता है, उन्हें दस्त की समस्या है, कब्ज की वजह से भी दस्त लगते हैं, गैस की वजह से भी दस्त लगते हैं। वह लोग माजूफल को पीसकर 3-6 ग्राम की मात्रा में आप सुबह शाम लीजिए। इससे पेट के अन्य रोग भी दूर होंगे, दस्त की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी, कब्ज की और गैस की जो समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके कान में मवाद या पीप बना रहता है। अक्सर यह रोग उन्हें बहुत परेशान करता है, तो इस रोग के लिए आप माजूफल का 2 ग्राम की मात्रा में चूर्ण लें, 50 ग्राम की मात्रा में सिरका लें, उसमें डालकर आप अच्छी तरह से उबाल लें। जब वह ठंडा हो जाए उसे छान कर आप 2-3 बूंद की मात्रा में आप सुबह शाम कान में डालिए। मवाद आना या पीप आना या अन्य किसी प्रकार का मैल होना, यह सब रोग दूर हो जाता है। अगला उपाय महिलाओं के लिए है। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी आने की समस्या बनी रहती है, वह 1-2 ग्राम की मात्रा में माजूफल का चूर्ण लें। उसे ताजे पानी के साथ सुबह शाम लीजिए। इससे सफ़ेद पानी आने की समस्या दूर हो जाती है। अगला उपाय महिलाओं के लिए है जिनकी योनि ढीली हो जाती है, उनमें टाइटपन नहीं बना रहता है। वह महिलाएं 10 ग्राम माजूफल का चूर्ण लें, 0.5 ग्राम कपूर लें पिसी हुई, उसमें 0.5 चम्मच शहद मिलाकर आप अपनी योनि पर लगाएं। इससे आपकी योनि अगर ढीली है तो वो टाइटपन आ जाता है उसमें। अगर कोई और अन्य रोग भी हैं, खुजली या किसी तरह की सूजन, तो वे भी दूर हो जाती है। दोस्तों हमने माजूफल के बारे में आपको जानकारी। जिन लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है, वो लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि माजूफल क्या होता है, माजूफल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपने देख ली इस वीडियो के अंदर। अब हम इसकी रेट की बात करते हैं कि मार्केट के अंदर माजूफल का जो पाउडर होता है वो मार्केट में होलसेल रेट में किस हिसाब से बिकता है और रिटेलिंग रेट के अंदर किस हिसाब से मिलता है और मार्केट में कितने का मिलता है। तीनों चीज़ों के प्रूफ्स आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली मिलने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाना होगा, यहाँ पर आपको माजूफल पाउडर प्राइस लिख देना है। अब नीचे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो मेरे सामने अब ये अमेजोन की साइट खुल रखी है, तो मैं इसको जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ तो मेरे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माजूफल पाउडर, यहाँ पर दे सकते हैं इसकी जो मात्रा है वो 100 ग्राम है, जो कि 232 रुपए का मार्केट में बिक रहा है रिटेल प्राइस में। दोस्तों ये रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस नहीं है। तो 232 रुपए का 100 ग्राम बिक रहा है, इस हिसाब से ये 2320 रुपए पर केजी यह पाउडर मार्केट के अंदर बिक रहा है। माजूफल का जो पाउडर है वो 2320 रुपए मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो अब देख लिया दोस्तों आपने इसकी रिटेलिंग प्राइस तो आपने देख ली, अब मैं आपको इसकी होलसेल प्राइस भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मैंने इंडिया मार्ट की वेबसाइट ओपन कर रखी है, ऊपर आप देख भी सकते हैं इसके ऊपर लिख रखा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ना कि कोई स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही माजूफल डाला तो मेरे सामने इस टाइप का पेज ओपन हो गया है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि माजूफल जो होता है उसका पाउडर होलसेल रेट के अंदर कितने हिसाब से बिक रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माजूफल का पाउडर आपको दिख रहा होगा, मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ, मैं इसको पूरा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर माजूफल के जो फ्रूट्स हैं वो तो आपको दिख रहे होंगे, फल दिख रहे होंगे, साइड में पाउडर आपको दिख रहा होगा। और इसके जो साइज है ये देख नीचे आप देख सकते हैं, माजूफल का जो पाउडर है ठीक है, ये 1800 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, जो कि पूजा ट्रेडर्स के नाम से है अहमदाबाद के अंदर ठीक है। अभी इसकी जो लाइफ होती है वो 24 मंथ होती है, मतलब कि 2 साल तक इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक होलसेल प्राइस है, आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर ये होलसेल प्राइस 1800 रुपए पर केजी
तेजी बिक रही है। और आपने देखा कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह की वेबसाइट के ऊपर या फिर रिटेल के अंदर यह प्रोडक्ट 2320 रुपए का बिकता है और होलसेल में 1800 रुपए का बिकता है। आपने बहुत ही अच्छे से देखा, अगर आप चाहते हैं कि आप होलसेल में इसे खरीदना तो यहाँ से कॉल ना करके या फिर गेट बेस्ट प्राइस करके आप इनसे बात भी कर सकते हैं, आप इनसे प्रूफ भी ले सकते हैं, इनसे ट्राई कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जो मधुफल होता है वो मार्केट में हम कितने रेट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी टाइप के आपको बायर्स से सेलर्स मिल जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था इंडिया मार्ट की वेबसाइट एक सब्जी मंडी की तरह होती है, जहां पर दुनिया भर के आपको बेचने वाले आते हैं, अगर माल ज्यादा होता है तो उसके रेट वैसे ही कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुफल 390 रुपए पर केजी बिक रहा है, अगर हम नीचे चले तो 500 रुपए बिक रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे 250 रुपए पर केजी मिल रहा है। तो अब कम से कम मानकर भी चले तो 250 रुपए पर केजी मानकर के चल लेते हैं, 250 रुपए पर केजी के हिसाब से मधुफल का जो मधुफल का जो फ्रूट होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप यहाँ से ज्यादा मात्रा के अंदर खरीदते तभी आपको इतने रेट का मिलता है, अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लगती है तो यहाँ पे कॉल लव करके भी आप इनसे बात कर सकते हैं। जहां पर 250 रुपए पर केजी लिख रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 लोगों ने इसको देखा है और 32 लोगों ने इंक्वायरीज भी की है, मतलब कि 32 लोगों ने इनसे पूछताछ की है, रेट वगैरह के बारे में पूरी जानकारी ली है, डिलीवरी के बारे में जानकारी ली है, सारी चीजें आप यहाँ से देख करके आसानी से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए यहां से आप मधुफल खरीद सकते हैं। और आपने रेट मार्केट के अंदर देख ही लोगी कितनी इसकी क्या रेट, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि मधुफल का पाउडर है वो रिटेलिंग में कितने का बिक रहा है और होलसेल रेट में कितने का बिक रहा है और ये मार्केट में आपको कितने का मिलता है, सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर आप इसका बिजनेस शुरू करना चाहते तो 250 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको मधुफल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हमें 2 केजी मधुफल खरीदने के बाद में उसके अंदर 1 केजी पाउडर तैयार होता है, यह मार्केट के अंदर होलसेल रेट में 1800 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है। तो हमें 1800 रुपए पर केजी के हिसाब से नहीं बेच करके हमें इसे मात्र 1500 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेचना है। 2 केजी हमारा जो मधुफल होता है उसके अंदर हमारा 500 रुपए का खर्चा होता है, जिसके अंदर 1 केजी पाउडर हमारा तैयार होता है। अगर हम फिर भी इसे 1500 रुपए के हिसाब से बेचते तब भी हमें 1 केजी के ऊपर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर हम 10 लोगों को टारगेट करते हैं एक दिन के अंदर तो हम 10000 रुपए प्रॉफिट कम से कम इस बिजनेस से बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें इसकी सारी जो बताता हूं मैं आपको हमेशा, इसकी पैकेजिंग वगैरह आपको करनी होती है, पैकेजिंग करने के बाद में आपको इसका लाइसेंस लेना होता है जो कि FSSAI लाइसेंस होता है, GST नंबर लेना होता है। ये सारी चीजें लेने के बाद में आपका एक ब्रांड नेम क्रिएट होता था, ब्रांड नेम क्रिएट होने के बाद में आप इसे आसानी से किसी भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में बेचना चाहते हैं तो किसी भी परचून की या फिर पंसीरी की जो शॉप होती है, पंसारी की जो शॉप होती है, वहां पर आप इसे अपने लोकल एरियाज के अंदर बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। आप अपने लोकल एरियाज को कवर करने के बाद में वहां से थोड़ा सा दूर जाकर भी आप इसे आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप आसानी से घर बैठे अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर सेलर अकाउंट बना करके आसानी से 1500 रुपए पर केजी के हिसाब से इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आप इस बिजनेस से घर बैठे कमा सकते हैं।